Hello students, this is Dr. Ankit Seth from Arukul College of Pharmacy and Research, and I'm going to elaborate this topic, protoplast fusion, from Unit 2 of Pharmaceutical Biotechnology as per the AKTU syllabus for B.Pharm 8th semester. These are the contents: introduction, isolation of the protoplast, purification, and finally methods of fusion. Now, before going into the detail, I'm going to tell you what exactly is a protoplast. Protoplast kya hota hai? Protoplast fusion kya hota hai? Aur protoplast fusion kyun karte hain? What is the need of doing this protoplast fusion? Abhi, I think you all are familiar with plant cell, bacterial cell, fungal cell. Okay, abhi hum plant cell ki baat karte hain. To normally plant cell kya hoti hai? Plant cell usually contains a cell membrane, and that particular cell membrane is surrounded by the cell wall. ये सबको पता है. अभी अगर हम उस सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दें, इफ वी डिलीट द सेल वॉल, देन व्हाट एग्जैक्टली इज लेफ्ट बिहाइंड? प्लांट सेल इज लेफ्ट विद अ डिस्ट्रैक्टेड सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद सम अदर सेलुलर कंपोनेंट्स. तो अगर हम सेल की सेल वॉल हटा दें तो जो बच जाए वो क्या है? प्रोटोप्लास्ट. ओके, तो अगर प्रोटोप्लास्ट को हम जनरलाइज्ड वे में डिफाइन करें तो अ प्रोटोप्लास्ट इज अ प्लांट, bacterial or a fungal cell that had its cell wall completely or partially removed by using mechanical or enzymatic methods. Okay, तो ये तो हो गया protoplast. ठीक, generally ये जो protoplast होते हैं, we used to fuse these protoplast by some chemical and electric methods. अब question ये आता है कि protoplast तो प्लांट की सेल वॉल हटा करके बना लिया, उसको फ्यूज करने की क्या जरूरत है? ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ फ्यूजन? ओके, तो द नीड ऑफ फ्यूजन, बेसिकली प्लांट की अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए होता है? वी यूज टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. तो जनरली क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाने होते हैं. हमको एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफर करना होता है. रीजन क्या है इसका? आई थिंक जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको पता है प्लांट्स में डिजीज़ हो जाती है, बहुत तरह तरह की बीमारियां होती हैं. हम क्या चाह रहे हैं? वी यूज टू डेवलप अ डिजीज़ रेजिस्टेंट स्ट्रेन. हमको कैसा स्ट्रेन चाहिए? हमको डिजीज़ रेजिस्टेंट स्ट्रेन चाहिए. तो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. कहीं बाहर के सोर्स से एक अच्छी वैरायटी के साथ हमने एक नॉर्मल वैरायटी को फ्यूज़ किया, तो जो नया हाइब्रिड मिला वो कैसा मिला हमें? डिजीज़ रेजिस्टेंट. ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, इसके बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं. ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड्स आजकल मार्केट में आ रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ गया है, साइज़ बढ़ गया है, जो भी हमारा आउटपुट है इसका, चाहे फ्रूट्स के फॉर्म में हो चाहे वेजिटेबल्स के फॉर्म में हो, तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ प्रोटो फ्यूजन. ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट की. तो प्रोटोप्लास्ट को कैसे आइसोलेट किया जाता है, है ना? हम रूट से कर सकते हैं, लीव से कर सकते हैं, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, रूट नोड्यूल्स, एंडोस्पर्म, एक्सेट्रा. ओके, तो जनरली आइसोलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एंजाइमेटिक मेथड एंड मैकेनिकल मेथड. तो पर हम बहुत ज़्यादा मैकेनिकल मेथड का डिस्कशन नहीं करेंगे. मैकेनिकल मेथड का डिस्कशन न करने का रीज़न क्या है कि जनरली ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है, और इसमें मैकेनिकली हमें प्लाज्मोलाइज्ड सेल को कट करके प्रोटोप्लास्ट को निकालना पड़ता है. तो थोड़ा सा ये हेक्टिक टाइप का मेथड है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा नहीं है. तो हम अभी एम्फेसिस किस पे देंगे? एंजाइमेटिक मेथड पे. ओके, तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंजाइमेटिक मेथड? देखो जनरली क्या होता है एंजाइमेटिक मेथड में, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने देखो पहले लीफ ली है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया है? सरफेस स्टरलाइजेशन किया है. तो जनरली इन द फर्स्ट स्टेप दिस सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ द लीव्स इज डन. और कैसे किया है हमने? बेसिकली हमने क्या किया है, इसको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए इमर्स कर दिया है. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि लीव्स आर वॉश्ड विद डबल डिस्टिल्ड वाटर. ये मैंने इसमें शो नहीं किया है. सर्फेस स्टरलाइजेशन के बाद हम डिस्टिल्ड वाटर से उसको वॉश करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, द लोअर एपिडर्मिस इज पील्ड ऑफ. लोअर एपिडर्मिस को हम बाहर निकाल देते हैं. किस लिए निकालते हैं? टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द एंजाइम सॉल्यूशन. ओके, ताकि उसके अंदर एंजाइम सॉल्यूशन चला जाए. ठीक, उसके बाद बेसिकली क्या है कि इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द सेल्स शुड बी प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक
प्लाज्मोलिटिकम सच एज 13% मेनिटॉल और सॉल्बिटॉल। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब हम एंजाइम सॉल्यूशन के फॉर्मूले को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है 0.5% मैसेरोजाइम, 2% सेल्यूलेस, 13% मेनिटॉल। ये जो 13% मेनिटॉल है ये क्यों डाला गया है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोलिटिकम? ओके, देखो जनरली होता क्या है बेटा कि जो सेल वॉल है जब तक वो रहती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है प्रोटोप्लास्ट पे और एक्सेसिव वाटर के अपटेक को रोकती है, लेकिन सेल वॉल तो हमने हटा दी। ओके, तो अगर हमने सेल वॉल हटा दी तो अभी क्या है, एक्सेसिव वाटर अपटेक के चांसेस बन सकते हैं विच मे बर्स्ट द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्सेसिव वाटर अपटेक, जिसके कारण प्रोटोप्लास्ट बर्स्ट हो सकता है। इसलिए हमको इसके अंदर क्या डालना पड़ता है, हमको इसके अंदर एक प्लाज्मोलिटिकम डालना पड़ता है, और वो भी कैसा, आइसोटोनिक, जो आइसोटोनिसिटी मेंटेन करे, वो हाइपरटोनिक भी ना हो, वो हाइपोटोनिक भी ना हो। ओके, अच्छा, बेसिकली लीफ ली, लीफ को स्टरलाइज किया, उसका एपिडर्मिस निकाला, अभी ये जो पील्ड सेगमेंट है इसको हम बेसिकली एंजाइम सॉल्यूशन में रख देते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं इन्हीं की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक, जैसे सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है तो हम सेल्यूलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पेक्टिन होता है तो हम पेक्टिनेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो सेल वॉल पूरी तरीके से एंजाइमेटिकली हट जाए। ओके, तो जो ये लीफ है इसको छोटे टुकड़ों में काट करके हम बेसिकली पेट्री डिश में एंजाइम सॉल्यूशन में, जिसमें एंजाइम भी हो, एंजाइम के साथ ये जो मैंने प्लाज्मोलिटिकम बताया, प्लाज्मोलाइटिकम जो बताया वो भी हो, और ये सब डालने के बाद हम इसको इनक्यूबेट कर देते हैं। होता क्या है इससे, इससे जो सेल वॉल है उसका डाइजेशन हो जाता है। तो एक बार सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई, हम जनरली ये जो प्रेटी डिशेज हैं इनको सील वगैरह करके पैराफिन से, वी यूज टू रैप इट विद एल्युमिनियम फॉइल, और हम इसको अलग रख देते हैं। ओके, इनक्यूबेशन के बाद जनरली थोड़ा सा जेंटल एजिटेशन हम करते हैं, थोड़ा सा उसको एजिटेट करते हैं और प्रोटोप्लास्ट हमारे रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो पैलेट्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट हैं, क्रूड प्रोटोप्लास्ट हैं, ये हमें मिल जाता है। तो देखो भाई, क्रूड किसी यूज़ नहीं कर सकते हम। ओके, तो हम इसको प्यूरीफाई कैसे करते हैं ये हम भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट मैकेनिकल मेथड। ओके, ये मैकेनिकल मेथड क्या होता है? मैकेनिकल मेथड मैंने पहले भी कहा था ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, इसमें प्लाज्मोलाइज सेल को हमको मैकेनिकली काटना पड़ता है। ओके, तो अभी इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इतना लिखना है कि प्लाज्मोलाइज सेल्स आर कट मैकेनिकली। आउटडेटेड मेथड है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन पेपर में आए तो यू जस्ट राइट कि देयर इज़ अ मैकेनिकल मेथड जिसमें मैकेनिकली हम कट करके प्रोटोप्लास्ट को करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? अब इम्पॉर्टेंट है प्यूरिफिकेशन। एक बार हमें प्रोटोप्लास्ट मिल गया, बट दैट इज इन द क्रूड फॉर्म। ओके, तो अब इस प्रोटोप्लास्ट को प्यूरिफाई हम कैसे करेंगे? तो जनरली द मिक्सचर ऑफ दिस प्रोटोप्लास्ट एंड एंजाइम इज फिल्टर्ड थ्रू अ नायलॉन मेश। पहला देखो स्टेप लिखा हुआ है, जो भी हमको क्रूड मिला था उसको हमने नायलॉन मेश से फिल्टर किया। अब ये फिल्ट्रेशन से क्या होगा? दिस फिल्ट्रेशन विल रिमूव द सेल वॉल डेब्रिस, सेल क्लम्स, अनडाइजेस्टेड टिश्यूज एक्सेट्रा। ओके, ये जो फिल्ट्रेट है ये हम निकाल लेंगे, फिल्ट्रेट को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और ये जो सुपरनेटेंट इसमें आएगा, दैट सुपरनेटेंट बेसिकली कंटेन्स द डेब्रिस, इसको हम पिपेट से हटा लेंगे। ओके, अभी प्रोटोप्लास्ट जो है वो बेस पे हमें मिल जाएगा। नाउ दिस प्रोटोप्लास्ट इज रेडी फॉर, या दिस प्रोटोप्लास्ट्स आर नाउ रेडी फॉर कल्चर। ओके, अब हम इसको यूज आगे कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, जनरली जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं करते हैं। ओके, तो अभी दिस इज व्हाट, दिस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्यूरिफिकेशन के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है, दैट इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अब ये फ्यूजन कैसे किया जाएगा? डायग्राम से बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, एक प्रोटोप्लास्ट ए है, सोमैटिक सेल से हमने एक ए वैरायटी ली है, एक बी वैरायटी ली है, और इनको कैसे फ्यूज किया है, फ्यूज करने के लिए भी एक बेसिकली स्पॉन्टेनियस फ्यूजन मेथड होता है और एक हमारा इंड्यूस्ड फ्यूजन मेथड होता है। देखो स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने से हो जाए। देखो नॉर्मली जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो फ्यूज नहीं करते हैं, कभी कभी आइसोलेशन के समय पे कुछ फ्यूजन देखने को मिलता है, एडजेसेंट सेल आपस में फ्यूज कर जाती हैं केवल पास में होने के कारण। ओके, लेकिन उससे हेटेरोकैरियन नहीं बनता, उससे होमोकैरियन बनता है। तो दैट स्पॉन्टेनियस फ्यूजन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहां पे हमें क्या स्टडी करना है, वी यूज टू स्टडी द इंड्यूस्ड फ्यूजन मेथड्स। अब अगर दो प्रोटोप्लास्ट हमें मिल गए, प्लांट सेल वॉल हटा करके दो प्रोटोप्लास्ट मिल गए, हमने उनको प्यूरिफाई कर लिया, अभी हमें उनको फ्यूज करना है।
अब ऐसे ही वो फ्यूज क्यों नहीं होते? वाई? बिकॉज दे द सर्फेस, ये जो उनकी सर्फेस होती है प्रोटोप्लास्ट की, ये सर्फेस जो है इनमें नेगेटिव चार्ज होता है. ओके ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल हटाइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. ओके तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दीज प्रोटोप्लास्ट रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो भाई जब रिपेल करेंगे तो फ्यूज कैसे करेंगे, है ना? सो वी नीड एन इंड्यूसर. ये इंड्यूसर क्या करता है? दिस इंड्यूसर रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अलाउज द प्रोटोप्लास्ट टू फ्यूज विद ईच अदर. ये जो इंड्यूसर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करेगा और उनको फ्यूज करने में सहायक होगा. ओके तो अब ये जो इंड्यूसर्स हैं ये केमिकल भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है और कुछ मैकेनिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल होता है. ओके तो ये जो इंड्यूसर्स हैं, अब जैसे इंड्यूसर्स में कीमोफ्यूजन एक एग्जांपल है, तो इसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करें, जिसमें जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, NNO3, कैल्शियम आयंस. ओके इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं, लो स्ट्रेंथ में भी और हाई स्ट्रेंथ में भी. ओके फिर वी यूज सम मैकेनिकल मेथड्स ऑल्सो. अब देखो यहाँ पे भी है, ये भी मैकेनिकल फ्यूजन बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है. हम इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट में दो प्रोटोप्लास्ट को मैकेनिकली लाते हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, ये माइक्रो मैनिपुलेटर और परफ्यूज माइक्रोपेपर टाइप की डिवाइसेज यूज होती हैं, जिससे हम मैकेनिकली उनको फ्यूज करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे ये मैकेनिकल फ्यूजन भी लीस्ट यूज्ड मेथड में आता है, लेकिन केमिकली इंड्यूस फ्यूजन और इलेक्ट्रो फ्यूजन ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ओके अभी क्या है, मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको आर्कुल स्टूडेंट्स को, बी फार्म फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को, उसमें मैंने ये जो भी कीमोफ्यूजन मेथड जैसे NaNO3 है तो उसमें कितना परसेंट लेना, 5% NaNO3 हम लेते हैं जनरली 10% सुक्रोज सॉल्यूशन में. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इंक्यूबेट कर देते हैं 5 मिनट के लिए 35°C पे. इंक्यूबेशन के बाद निकाल के बाथ पे रख देते हैं 30 मिनट्स के लिए वाटर बाथ पे, उसमें ये फ्यूजन हो जाता है. तो जैसे ये NaNO3 का प्रोसीजर है, वैसे देर इज अ सेपरेट प्रोसीजर फॉर पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल एज वेल एज कैल्शियम आयंस. ओके तो दिस इज वॉट, दिस इज द मेथड ऑफ फ्यूजन. दो प्रोटोप्लास्ट हैं, उसमें हमने एक इंड्यूसर का इस्तेमाल किया, पहले सेल पास में आई, एडेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, हेटरोकैरियन फॉर्मेशन हुआ और हेटरोकैरियन फॉर्मेशन के बाद फाइनली हाइब्रिड हमें मिल गया. ओके तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. मोर डिटेल्स रिफर टू माई नोट्स एंड प्लीज विजिट आरकुल यूट्यूब चैनल रेगुलरली फॉर अपडेट्स. थैंक यू वेरी मच.